हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं संडे सदाबटरी बाज़ार के क्रॉकरी मार्केट में। ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है, क्रॉकरी मार्केट की स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही चौकी के पास ये भैया पर्स बेचते हुए मिले। भैया कहते हैं कि लेदर के पर्स हैं और ये एविएटर चश्मे वगैरह उन्होंने मुझे दिखाए। गॉगल्स काफ़ी अच्छे थे। भैया के पास 100 to 250 तक की रेंज थी, सारे ट्रेंडी डिज़ाइंस। बिल्कुल चौकी के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्लॉक वाले भैया बैठते हैं। इनके पास ना सारी हर टाइप की क्लॉक है और इनकी स्टार्टिंग रेंज है 60 रुपीज़ में। छोटी क्लॉक है, मतलब सारी वॉल क्लॉक ही भैया के पास मिलने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग रेंज इनकी 60 रुपीज़ है। 60, फिर 80, फिर 100, और फिर 100 से आपकी चॉइस के ऊपर है। डिज़ाइन पे मैटर करता है कि आप कौन से क्लॉक लेने वाले हैं, उसी की टाइप पे भैया आपको प्राइस देने वाले हैं। भैया के पास ना अलार्म क्लॉक्स भी हैं, स्क्वायर, सर्कल, हर टाइप की क्लॉक है। फंकी डिज़ाइंस भी हैं भैया के पास, और जो टेम्प्रेरी डिज़ाइंस होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन, हर टाइप की यहाँ पर आपको क्लॉक मिलने वाली है। अगर पा रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉप पर। बिल्कुल भैया के आगे ये हाउस होल्ड की सामान की दुकान थी। अंकल जी के पास ना स्टार्टिंग रेट 50 रुपीज़ था। ये वाला मगना मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसका रेट पूछा 180 रुपीज़ था। मैंने केक टिन के भी रेट पूछे, 180 रुपीज़ से स्टार्ट थे केक मोल्स, और 350 तक इसका रेट जा रहा था। 350 वाला ओपनेबल था। ये देखिए अंकल जी के पास ना हाउस होल्ड के सारा सामान था। अगर पर आए तो चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी फंकी चीज़ें थी अंकल जी के पास, सारा चाइनीज़ का, ये कैसे चाइनीज़ माल था। ये देखिए गेप तो खैर हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट शॉप पे हमने विजिट किया तो स्टार्टिंग में 70 रुपीज़ के डोल सेट्स यहाँ पे 70 रुपीज़ में थे। काफ़ी अच्छे थे, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। गेम्स की पजल्स गेम वगैरह थी और उनकी प्राइस उनके हिसाब से ही थी। ये उनकी साथ में ही था, ये वुडन में मनी बैंक्स थे, ये हम कह सकते वुडन मनी बैंक्स थे। काफ़ी अच्छे थे, अगर इन्हें शोकेस वगैरह में रखा जाए तो काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। अगर आप आ रहे हैं सदर मार्केट तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। मैं तो और कहीं मार्केट में ये वुडन के मनी बैंक्स कहीं नहीं देखे हैं। उनके ही आगे हम चले हैं तो राइट हैंड साइड पे ये भैया के पास ना क्लॉक्स की रेंज मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी यूनिक क्लॉक्स थी भैया के पास। ये देखिए इनकी प्राइस रेंज भैया ने 300 रुपीज़ स्टार्टेड बताई थी, और 1500 तक इनकी क्लॉक्स की रेंज जा रही थी। अगर आप आ रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। ये कॉर्नर में रखा हुआ वुड स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे कॉर्नर वुड स्टैंड भी कह सकते हैं। भैया ने इसको 2650 रेट बताया, मुझे बहुत प्यारा लगा, यूनिक भी लगा। और ग्लासेस के रेट भैया ने मुझे 250 से स्टार्टिंग रेट बताई, 650 तक जा रहे थे। ग्लासेस के डिज़ाइन अगेन बहुत अच्छे थे, सारे ग्लासेस डिज़ाइन थे। अब आ रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए ग्लासेस की रेंज भैया के पास काफ़ी यूनिक थी, सारे डिफरेंट ग्लासेस थे। इन्होंने ही क्लॉक्स लगा रखी थी। ये देखिए आप जाएंगे तो आपको ज़रूर ये देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल उनके सामने ही भैया बच्चों के खिलौने वगैरह बेच रहे थे, बॉल्स, कैरम बोर्ड्स, बैट्स, बॉल, हर टाइप का सामान था। अगर बॉल्स के प्राइस की बात करें तो 180, 120, 100 हर टाइप का यहाँ पे प्राइस रेंज था बॉल का, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मुझे बॉल अच्छी लगी थी तो इसका प्राइस था 100 रुपीज़। ये देखिए ये बैट्स ना भैया के पास 25 से स्टार्टिंग रेंज है और 1500 रुपये तक जा रही है, और ये बैडमिंटन सेट 100 रुपीज़ में है। अगर आप आ रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए यहाँ से लेके जा सकते हैं इजीली, काफ़ी आपको प्राइस रेट दुकानों से कम मिलने वाला है यहाँ पर। और मैंने ना दिखाने की कोशिश करी अजंता ट्रेडर्स के नीचे भैया बैठते हैं। नेक्स्ट शॉप पे आते हैं, यहाँ पे ना एंटीक आइटम मिल रहे थे, स्पेशली शोकेस टाइप के ड्राइंग वगैरह रूम में रखते हैं उस टाइप के। भैया ने प्राइस रेंज नहीं बताई है लेकिन ये काफ़ी महंगी थी। इसकी प्राइस किसी की 200, किसी की 300, किसी की 400 थी। काफ़ी अच्छे और पीसेस थे ये, अगर आप आ रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। भैया कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे प्राइस बताने के लिए, पता नहीं शायद यूट्यूब की मैं वीडियो बना रही थी इसलिए नहीं बताने को तैयार थे वो। ये देखिए ये हाथी का सेट किसी ने पूछा था तो इसकी प्राइस रेंज 1000 रुपीज़ बताई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉप पर। ये बच्चों का बैग मैंने पूछा था, ये 200 रुपीज़ का था और ये 250 में था ये पाउच बच्चों का। भैया ने ना थर्मस की बोतलों का भी दिखाया था, ये 180 रुपीज़ की थी, ये भी 180 की थी और ये भी 180 की, ये 200 रुपीज़ की थी ब्लैक वाली। भैया के पास रेंज काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए बिल्कुल इन भैया के ऑपोजिट शॉप पे गए, यहाँ पे बैनर्स वगैरह बलून्स की ये दुकान थी। हमने बैनर पूछे तो भैया ने 80 और 50 रुपीज़ के बताए। एनिवर्सरी, बर्थडे, सब टाइप के बैनर भैया के पास अवेलेबल थे, बेबी शावर वर्ते भी, और बलून्स भी भैया के पास क्रोम और नॉर्मल सारे अवेलेबल थे। ये देखिए भैया ये विशाल वास्तु भंडार के नीचे बैठते हैं, संडे पटरी बाज़ार में ही आपको मिलने वाले हैं, अदरवाइज़ ये नहीं मिलने वाले हैं आपको। आ रहे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे ना ये बच्चों का सामान काफ़ी अच्छा मिल रहा था,
स्पेशली स्टेशनरी टाइप का ये सामान था। भैया प्राइस बताने बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि इनके पास अपने ग्राहक खड़े हुए थे। तो मैंने वीडियो बना ली है, पर मैंने क्ले का सेट पूछा था तो भैया ने 40 रुपीज़ का बताया था। अगेन आपको ना पूरी क्रॉकरी मार्केट में ना सारा हाउस होल्ड का ही सामान मिलने वाला है, स्पेशली बच्चों की स्टेशनरी का सामान या घर की बॉटल्स वगैरह क्रॉकरी टाइप का सामान आपको इस मार्केट में मिलने वाला है। प्राइस रेंज हर दुकान पे ना सेम रहने वाला है। अगर आप जा रहे हैं तो हद से 10 या 20 रुपए का हर दुकान का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये बच्चों के क्लिप्स वगैरह की दुकान थी, क्लचर वगैरह क्लिप्स वगैरह स्पेशली यहाँ पे बच्चों के सामान आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ये देखिए क्लचर वगैरह की ये दुकान थी, 20 रुपीज़ से स्टार्टेड था सामान, और आगे रेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। अगर मेटल का क्लचर ले रहे हैं तो 50 रुपीज़ का, अगर कंघी के सेट ले रहे हैं तो 20 रुपीज़ का। ये हाउस होल्ड की दुकान से सामान था। भैया के पास ना 5 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज थी, अगर आप आ रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। आपको हाउस होल्ड रिलेटेड या क्लिनिक रिलेटेड का सामान यहाँ से लेना है तो आप लेके जा सकते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में कहें तो आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो आप अगर संडे सदर पटरी बाज़ार आ रहे हैं तो क्रॉकरी मार्केट से यहाँ से बहुत सस्ते में सामान लेके जा सकते हैं। आपको हाउस होल्ड स्टेशनरी बच्चों की स्टेशनरी का सामान यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिलने वाला है। ये देखिए वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये अगेन हाउस होल्ड रिलेटेड सामान की दुकान थी, भैया दुकान लगा ही रहे थे, भैया रेट बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फिर भी ये मैंने पूछा, ये 25 रुपीज़ के थे, पूरा पैकेट था ये। मालूम है जब सुबह सुबह लोग दुकान लगा रहे होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो किसी को रेट बता सकें, इसलिए मैं आपको बस एक दो चीज़ के ही रेट बता पा रही हूँ। फिर धूप हो जाती है ना, मार्केट में रुका नहीं जाता। क्रॉकरी मार्केट में ओवरऑल स्टेशनरी का सामान आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये देखिए फाइल कवर वगैरह, डबल टेप, पेंस, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंस का पूरा पैकेट, वट एवर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगेन ये हम एक और शॉप पर आए हैं, यहाँ पे लंच बॉक्सेस बॉटल्स की रेंज काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए काफ़ी अच्छी रेंज थी, काफ़ी वाइड रेंज की ये दुकान थी। और दुकानों के बदले ना यहाँ पे इस दुकान पे थोड़ा सा प्राइस मुझे कम लगा, शायद रेंज की वजह से। लेकिन मैंने थर्मस की बॉटल पूछी बड़ी वाली तो भैया ने 350 की बताई, और छोटे छोटे सामानों का मैंने रेट पूछा वही 40-50 रुपीज़ में लंच थे। और ये देखिए ये इस दुकान के नीचे बैठते हैं हर संडे को, अगर आप आ रहे हैं तो देख सकते हैं क्रॉकरी मार्केट जो चौके के पास से स्टार्ट होती है। आप उसे कहीं से पूछे, किसी से पता पूछे, वो आपको अगेन बताने वाला है। आपको सदर मार्केट में या फिर क्रॉकरी मार्केट में सारा सामान ट्रेंडी मिलने वाला है क्योंकि ये होलसेल शॉप एरिया है और सारा ट्रेंड यहीं से स्टार्ट होता है, सारा माल यहीं से रिटेलर लेके जाते हैं। तो आप अगर आ रहे हैं तो आपको हमेशा नया डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा, हर हफ्ते या दो हफ्ते में वैरायटी चेंज होती रहती है। इस वाली शॉप पे ना बच्चों के लिए बड़े क्यूट क्यूट के सामान थे, ये सिपर वगैरह, क्लॉक, ज्योमेट्री बड़े क्यूट क्यूट से थे। उनकी प्राइस रेंज जो वही थी 100-150 जो पूरे मार्केट में प्राइस था। आपको यहाँ पे बच्चों के सिप और फ्लास्क वगैरह की रेंज बहुत मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी रेंज है भैया के पास। आपको अगर आपका बजट कम है तो आपको कम बजट पर, ज़्यादा बजट है ज़्यादा बजट के हिसाब से यहाँ पे सामान मिलने वाला है। कम बजट वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलने वाला है। पा रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी रेंज यहाँ के देख सकते हैं, वाइड रेंज यहाँ पर सामान की मिलने वाली है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे ना भैया के पास स्टार्टिंग रेंज वही बैट्स की 25 रुपीज़ थी और बैडमिंटन की 100 रुपीज़ थी। आपको क्रॉकरी मार्केट में आउटडोर टॉयज बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सस्ती रेंज है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी रेंज है बैट्स और बॉल्स की, वो भी वुडन में। प्लास्टिक में भी 20 रुपये का है लेकिन यहाँ पर 25 रुपीज़ का आपको वुडन बैट मिलने वाला है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ये था संडे पटरी बाज़ार का क्रॉकरी मार्केट का एरिया, अगर आ रहे हैं तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।